हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर वन मेजरमेंट की। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चैप्टर वन फिजिक्स क्लास 11 के जो चैप्टर वन है मेजरमेंट चैप्टर, उसके जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको हम आज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप देखें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कह रहा है? ए सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट। वन पीस ऑफ पिज्जा इज टेकन आउट। एस्टिमेट द डिग्री मेजर्ड ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज्जा एंड कन्वर्ट द मेजर्स इनटू रेडियन। व्हाट इज द रेडियन मेजर्ड ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा। एक सर्कुलर पिज्जा है और ये इस सर्कुलर पिज़्ज़ा को हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक पार्ट इन तीन इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट अगर आप टेकन आउट करते हो तो ये एक पार्ट कितना एंगल बनाएगा रेडियन में, इसको मेजर कर ले। और इज विल रिमेनिंग पार्ट, जो टू रिमेनिंग पार्ट है ये कितना एंगल बनाएगा उसको भी रेडियन में मेजर कर ले। तो ये एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा। और इस सर्कुलर पिज़्ज़ा को हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये सिंगल पीस जो है ये कितना एंगल बनाएगा? यहाँ पे तो ऑलरेडी 120 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि सर्कुलर पिज़्ज़ा टोटल एंगल कितना बनाता है? द टोटल एंगल मेड बाय द सर्कुलर पिज़्ज़ा थीटा टी, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये एक सिंगल पीस कितना एंगल बनाएगा? थीटा मेड बाय द सिंगल पीस, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, मतलब टोटल एंगल। इसका मतलब यह है कि इस पिज्जा को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और इन तीन पार्ट्स में से ये एक पार्ट कितना एंगल बनाएगा उसको मालूम करने के लिए हम टोटल थीटा को तीन पे तकसीम करते हैं सिंपली, या टोटल एंगल 360 डिग्री को 1/3 से ज़रब देते हैं, एक ही बात है। तो सिंगल पीस जो एंगल बनाता है थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री से आता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है? तो आपको पता है कि जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन दिस इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, और इससे हम 1 डिग्री को निकाल सकते हैं। अगर 57.3 पर दोनों साइड को तकसीम करते हैं तो ये 1 रेडियन डिवाइडेड बाई 57.3 आ जाएगा, दिस इज 1 डिग्री। अब 120 डिग्री कितना होगा, कितना रेडियन बनेगा? तो ये सिंगल पीस वाला जो एंगल थीटा है ये 120 डिग्री है। अगर 1 डिग्री जो है 1/1 रेडियन डिवाइड बाई 57.3 के बराबर है, तो हम सिंपली 1 रेडियन डिवाइडेड बाई 57.3 को 120 डिग्री, 120 में ज़रब देंगे, तो यहाँ पे जो थीटा मेड बाई द सिंगल पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 120 रेडियन और डिवाइडेड बाई 57.3। अब अगर 120 रेडियन डिवाइड बाई 57.3 करते हो तो आपके पास जो सिंगल पीस है वो जो एंगल बना रहा है दिस विल बी इक्वल टू 2.09 रेडियन। तो ये सिंगल पीस जो है ये डिग्री में 120 बना रहा है और रेडियन में 2.09 रेडियन जो है वो बना रहा है। यानी ये एंगल, ये वाला एंगल इस सिंगल पीस की अगर हम देखें तो ये वाला एंगल डिग्री में 120 है और रेडियन में 2.09 रेडियन है। और सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है पिज्जा के वो कितना एंगल बनाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? ये 2 रिमेनिंग पार्ट है, तो ये 2 जो टोटल एंगल बनाता है 120 प्लस 120 ये आ जाएगा 240, 240 डिग्री। लेकिन हम इसको ऐसा करते हैं कि दी एंगल मेड बाय दी रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे आप रिमेनिंग लेके दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई
360 डिग्री, मतलब कि थ्री पार्ट्स में से दो पार्ट्स, मतलब दो पार्ट्स रिमेनिंग है, तो दो पार्ट्स कितने एंगल, कितना एंगल बनाएगा, तो टोटल एंगल को 2/3 में जरब देने से, तो ये थीटा रिमेनिंग जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या जाएगा, अगर 360 को आप तीन पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 3 से आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट की थीटा है दिस विल बी इक्वल टू 240 डिग्री। ये तो हमारे पास डिग्री में आ गया। अब हम रेडियन में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि जो 1 डिग्री है दिस इज इक्वल टू 1/1 रेडियन डिवाइडेड बाई 57.3, और यहाँ पे थीटा ऑफ द रिमेनिंग पार्ट दिस विल बी इक्वल टू कितना एंगल है टोटल 240 डिग्री। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि थीटा ऑफ द रिमेनिंग पार्ट दिस इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, इस तरह भी लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री से वही 240 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे जो थीटा ऑफ द रिमेनिंग पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू 240 और मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं ओके 1 रेडियन डिवाइड बाई 57.3। सो द रिमेनिंग पार्ट जो है वो कितना एंगल बनाता है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम ये इस तरह हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन इज 240 रेडियन और डिवाइडेड बाई 57.3, तो रिमेनिंग पार्ट जो एंगल बनाता है 240 रेडियन को 57.3 पर डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा 4.18 रेडियन। कितना मिल जाएगा, 4.18 रेडियन। तो रिमेनिंग पार्ट कितना एंगल बनाता है, 4.18 रेडियन एंगल बनाता है। तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1, यानी यहां से ये टू पार्ट जो है यहां से यहां तक ये टोटल डिग्री में 240 एंगल बनाता है और रेडियन में 4.18 रेडियन बनाता है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 1.5 और प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन टू बी 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। ये प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ L 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ये 1.5 लेंथ है और प्लस माइनस 0.01 जो है ये इस लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और इस सिंपल पेंडुलम में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पे 9.8 जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और 0.1 जो है प्लस माइनस 0.1 ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। और वो कह रहा है कि टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम की मालूम कर ले कि इस सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड तो आप जानते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम कितने टाइम में एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो टाइम पीरियड भी हमने मालूम करना है और टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा टी इसको भी हमने मालूम करना है। तो पहले हम टाइम पीरियड को मालूम करते हैं कि सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड कितना है। तो आपको पता है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है जो फार्मूला है वो है 2π एन टू एल बाई जी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करते हैं, टी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह 3.14 एन टू स्क्वेयर रूट ऑफ एल की जगह आप लगा ले 1.5 और मीटर और डिवाइडेड बाई जी की जगह आप लगा ले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने पुट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ पहले हमने टाइम पीरियड को निकालना है फिर से हम अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे कि टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कितना है। तो टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये 1.5 को 9.8 पर तकसीम करें और मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकाले और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा
और स्क्वेयर रूट भी ले ले तो, और 2 × 3.14 से जरब दे दे, मतलब थोड़ा सा इसको सॉल्व करें और आपके पास जो टाइम पीरियड मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2.5 सेकेंड। तो मतलब कि ये जो सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1.5 है और जिसमें एक्सेलरेशन 9.8 है, अनसर्टेनिटी भी इसमें है, तो इसकी टाइम पीरियड जो है वो 2.5 सेकेंड है। मतलब कि ये सिंपल पेंडुलम 2.5 सेकेंड में जो है एक ऑसिलेशन को तकरीबन कंप्लीट करता है, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी भी है क्योंकि लेंथ और जी में अनसर्टेनिटी है, तो टाइम पीरियड में भी अनसर्टेनिटी आएगा। अब टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कितना आएगा इसको हम मालूम करते हैं। तो अगर हम टाइम पीरियड को देखें, ये 2πL/g स्क्वायर रूट के बराबर है, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πL/g पावर स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, और टी इज इक्वल टू 2πL/1/2 डिवाइडेड बाई g/1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आप टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी को मालूम करते हैं तो पहले आपने पावर रूल को अप्लाई करना है और डिवीजन रूल को अप्लाई करना है, क्योंकि अगर टाइम पीरियड की इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2π तो कांस्टेंट है, उसमें तो अनसर्टेनिटी नहीं है, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने में। यहाँ पे एल और जी जो है इनके मुताबिक हम टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, और एल बाई जी को अगर हम देखें तो एल और जी तकसीम में है, तो मतलब के अनसर्टेनिटी की डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे। एज वेल एल पर 1/2 पावर है, जी पर 1/2 पावर है, तो मतलब के पावर रूल और डिवीजन रूल ये दोनों हम जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और डिवीजन रूल और पावर रूल क्या कह रहा है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड है, मतलब कि हम टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड दिस विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पावर रूल दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एंड टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। आपने पावर रूल पढ़ा है कि जिस क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी हो, जिस क्वांटिटी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप मालूम करते हो, उसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ आपने पावर में ज़रब देना है। किस कौन से पावर में, जिस क्वांटिटी पर जो पावर है उसमें आपने ज़रब देना है। और एज वेल डिवीजन के मुताबिक ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से पावर रूल 1/2 एंड 2% अनसर्टेनिटी इन जी हो जाएगा। मतलब कि डिवीजन रूल कहता है कि टाइम पीरियड में अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करते हो तो पहले आप एल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर ले और जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर ले, इनको जमा कर ले, ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगा टाइम पीरियड में। और पावर रूल कह रहा है कि आप जो L में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको 1/2 में ज़रब दे दे, और G में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको भी 1/2 में ज़रब दे दे। तो यहाँ पे जो 1/2 में हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G को, ये पावर रूल के मुताबिक, और जो प्लस किए हमने ये डिवीजन रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड को निकालना चाहते हैं तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G को मालूम करेंगे। तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ को मालूम करते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ दिस इज इक्वल टू, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जो फार्मूला है आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल जो है दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एल और डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल दिस विल बी इक्वल टू, एल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो है ±0.01 मीटर, और डिवाइड बाई एल की मेजर्ड वैल्यू 1.5 मीटर है, और मल्टीप्लाइड बाई 100% हो जाएगा। इसको मीटर मीटर कैंसिल करके और 0.01 को 1.5 पे तकसीम करें और 100% में ज़रब देते तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आपको कितना मिल जाएगा 0.67%। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल। और इसी तरह हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी मालूम करते हैं, तो जी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन जी, डायरेक्टली पुट करते हैं
तो जी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना है? प्लस माइनस 0.1 मीटर, वो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। और डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी, और जी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना है? 9.8, और मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी दिस विल बी इक्वल टू 0.1, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल होंगे, ये 0.1 को 9.8 पर डिवाइड करके 100% में जरब दे दे, तो जी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगा आपको ये कितना हो जाएगा? 1.02%। कितना जाएगा? 1.02%। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन जी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड दिस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल, वो कितना है? 0.67%, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, वो कितना है? 1.02%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड दिस विल बी इक्वल टू 0.67 को दो पर तकसीम करें और 1.02% को दो पर तकसीम करें और फिर आपस में जमा कर ले तो आपको मिल जाएगा 0.8%। कितना जाएगा? 0.8%। तो टाइम पीरियड में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितना है? 0.8% है। तो इस तरह आपका जो आंसर है टाइम पीरियड दिस विल बी इक्वल टू 2.5 सेकेंड और प्लस माइनस 0.8%। दिस इज योर आंसर, ये आपकी आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर, एंड विड्थ डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट, और इस रेक्टेंगुलर शीट की एक लेंथ है और एक विड्थ है। लेंथ जो दिया हुआ है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ये लेंथ है और ये प्लस माइनस डेल्टा एल जो है लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो कितना दिया हुआ है? 1.50 मतलब लेंथ, और प्लस माइनस 0.02 मीटर मतलब 0.02 जो है ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और इस तरह विड्थ दिया हुआ है वो कितना है? डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और ये बराबर है 0.20 ये विड्थ हुआ, और प्लस माइनस 0.01 मीटर, ये 0.01 जो है ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और कह रहा है कि ए प्लस डेल्टा ए को कैलकुलेट कर ले। ए प्लस डेल्टा ए का मतलब कि एरिया को कैलकुलेट कर ले, और डेल्टा ए का मतलब कि एरिया में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको भी कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पे देखे, पहले हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया आपने पढ़ा है कि एरिया की जो फार्मूला है लेंथ ज़रब विड्थ है, मतलब एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ ज़रब विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को सिंपली मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिल जाएगा ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। तो इस तरह ए विल बी इक्वल टू लेंथ कितना दिया हुआ है? 1.50 मीटर, और मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कितना हुआ है? 0.20 मीटर। तो इस तरह रेक्टेंगुलर शीट की जो एरिया है ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.3 मीटर स्क्वेयर। दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट की एरिया है। अब हम इस एरिया में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको मालूम करेंगे। तो एरिया में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैसे मालूम करेंगे? अगर एरिया की इक्वेशन को आप देखें, तो चूंकि एरिया जरब से जो है हमें मिला है लेंथ और विड्थ के जरब से, तो यहाँ पे मतलब कि हम एरिया अनसर्टेनिटी की मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे। अनसर्टेनिटी की मल्टीप्लीकेशन वाला रूल के मुताबिक परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया ए दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड विड्थ। तो मतलब कि एरिया में अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए पहले हम लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे और वेट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे, इन दोनों को फिर हम जमा करेंगे। तो इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ दिस विल बी इक्वल टू, आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जो फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई जो है मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहां पे
पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एल, और एल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.02 मीटर, और डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, और एल की मेजर्ड वैल्यू है 1.50 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा 100%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप 0.02 मीटर टू मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0.02 को 1.50 पर डिवाइड करते हो और 100% में ज़रब देते हो, तो एल में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मिल जाएगा आपको कितना 1.3%। तो 1.3% इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल, और इस तरह आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेट में मालूम करते हो। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेट तो हो जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वेट, और वेट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लेके प्लस माइनस 1.3%, और ये है प्लस माइनस 0.01 मीटर, और डिवाइडेड बाय जो मेजर्ड वैल्यू है विड्थ की वो है 0.20 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय ये 100% हो जाएगा। तो इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड विड्थ दिस विल बी इक्वल टू, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0.01 को 0.20 पर डिवाइड करके 100% में ज़रब दे दे, तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड विड्थ आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5%, ये प्लस माइनस 5% के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि विड्थ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5% है। तो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया कितना हो जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ विच इज प्लस माइनस 1.3%, और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ विच इज प्लस माइनस 5%। तो इस तरह एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6.3%। दिस इज योर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। अब आप जो है आंसर को कैसे लिख सकते हो, आंसर को आप लिख सकते हो कि एरिया दिस इज इक्वल टू 0.3 मीटर स्क्वायर और प्लस माइनस 6.3%। दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आप देखें आंसर में यहाँ पे डेल्टा ए लिखा हुआ है, तो डेल्टा ए का मतलब है कि आपसे वो कह रहा है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम ना करें बल्कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मालूम कर ले एरिया में। तो एरिया में आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैसे मालूम कर सकते हो, तो इसके लिए अगर यहाँ पे हम देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ एरिया ए और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इस इक्वेशन से हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी मालूम कर सकते हैं, कैसे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एरिया और डिवाइडेड बाय 100%। तो इस तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया दिस इज इक्वल टू, एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है, प्लस माइनस 6.3% और मल्टीप्लाइड बाय एरिया की मेजर्ड वैल्यू कितना है 0.3 मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये 100% हो जाएगा। परसेंट परसेंट कैंसिल होके आप क्या कर ले, 6.3 को 0.3 से ज़रब दे दे और फिर 100 पे तकसीम कर ले, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया जो है आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा ए इन द एरिया ए। सो आपकी जो आंसर है एरिया ए प्लस डेल्टा ए दिस विल बी इक्वल टू, एरिया ए है 0.3 मीटर स्क्वायर और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर ना लेके 0.3 और प्लस माइनस, और डेल्टा ए कितना है 0.2 होल मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आपकी आंसर है। ओके, थैंक यू।